तो हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं ये आपके टेक्स्ट बुक में एज सच गिवन नहीं है, और आपकी एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ ट्वेल्थ के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो शायद आपके लिए ये उतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी रखते हैं, यानी कि नीट या एम्स जैसे एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट ओव्यूल, तो मुझे लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी पता होने चाहिए। सो बेसिकली देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल विच यू मस्ट नो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके सामने ये 6 के 6 तरह के ओव्यूल्स हमने बना रखे हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन सिर्फ कम से कम जो परमिसिबल टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, और इनके जो रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए उसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक बार आपको रिकैप कराऊं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो हम लोग लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला ओव्यूल हमने पढ़ा था, इससे अगर हम रिकैप करेंगे तो आसानी होगी। मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल के एक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम या इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। इसके सेंटर पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको हम एम्ब्रायोसाइट बोलते थे, जो सराउंडेड होता था विद द हेल्प ऑफ न्यूसेलर सेल मास, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूसेलस। और न्यूसेलस के चारों तरफ देर आर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इनर एंड आउटर इंटेगमेंट्स। और ये जो इनर एंड आउटर इंटेगमेंट्स हैं, ये इस पूरे न्यूसेलस को चारों तरफ से नहीं कवर करती, यानी कि ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इंटेगमेंट्स की, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इंटेगमेंट्स एब्सेंट होंगे, एंड द रीजन वेयर इंटेगमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इज माइक्रोपाइल। जहां पे इंटेगमेंट्स एब्सेंट होंगे, नहीं प्रेजेंट होंगे, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग एक सिंपल माइन्यूट पोर के फॉर्म में समझ सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग मीन ओव्यूल या फिर बॉडी ऑफ ओव्यूल बोलते थे। तो अगर ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है तो इसके 2 टर्मिनल या 2 पोल्स हो जाएंगे, जैसे हमारी बॉडी के 2 टर्मिनल्स या 2 पोल्स हैं, एक पोल ये और एक नीचे, इसको हम लोग एंटीरियर पोल बोलते हैं, और नीचे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड रीजन को, पोस्टीरियर पोल। तो इसी तरीके से ओव्यूल की बॉडी का भी 2 पोल हो जाएगा, एक एंटीरियर पोल और दूसरा पोस्टीरियर पोल। एंटीरियर पोल जो होगा माइक्रोपाइल साइड में होगा, और जिस एंड पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रोपाइलर पोल, और इसी को हम एंटीरियर पोल बोलते थे। एंड जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर पोल देयर विल बी योर चलाजल पोल और चलाजल एंड, इसको हम लोग क्या बोलते थे, चलाजल एंड, जो कि बेसल पार्ट होता था। इसी को हम अगर इसमें समझें तो यहाँ पे हो गया एम्ब्रायोसाइट, इसके चारों तरफ होगा न्यूसेलस, न्यूसेलस के चारों तरफ होगा 2 इंटेगमेंट्स, और इंटेगमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट है तो ये हो गया माइक्रोपाइल, एंड जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल देयर विल बी योर चलाजल पोल, यहाँ पे क्या होगा, चलाजल पोल होगा। तो हमने आपको बताया कि जिधर माइक्रोपाइल होगा ये माइक्रोपाइलर पोल होगा, और माइक्रोपाइलर पोल को हम एंटीरियर पोल बोल रहे हैं, और अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर पोल चलाजल पोल को हम बेसल या पोस्टीरियर पोल बोल रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है ये प्लासेंटा से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, और इस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते थे, फ्यूनिकल। एंड फ्यूनिकल इटसेल्फ जिस पर्टिकुलर रीजन या स्पेशलाइज जंक्शन पे अटैच होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइलम। तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होगा फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल क्या करेगा, इस बॉडी ऑफ ओव्यूल को जोड़ेगा, यहाँ कहीं वॉल ऑफ ओवरी से अटैच होगा प्लेसेंटा उससे, और फ्यूनिकल इटसेल्फ अटैच होगा किससे, ओव्यूल से, एट अ स्पेशलाइज्ड रीजन, और इस स्पेशलाइज्ड रीजन को मैं बोल रहा हूँ हाइलम, इसको मैं बोल रहा हूँ हाइलम। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन को वेयर इंटेगमेंट्स आर एब्सेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोपाइल। तो ये बहुत बेसिक बात हमने आपको रिकैप कराया जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, कि ये बॉडी ऑफ ओव्यूल होगा, बॉडी ऑफ ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इटसेल्फ जुड़ा होगा विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल एट अ स्पेशलाइज्ड रीजन, और इस स्पेशलाइज्ड रीजन या जंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम, और
इस बॉडी ऑफ ओव्यूल पे जहाँ पे इंटेगमेंट एब्सेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल, और उस पोल को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर पोल बोल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर इतना समझ पा रहे हैं, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है जो कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पे हमने रिकैप कराया, तो अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको इस टॉपिक को बहुत इजी बनाने के लिए एक बेसिस बताता हूँ कि किस बेसिस से किस क्राइटेरिया पे हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल को डिफाइन करेंगे, या फिर कितने परमिसिबल टाइप ऑफ ओव्यूल हो सकते हैं, उनको हम लोग कैसे बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, एक क्राइटेरिया या बेसिस बता रहा हूँ कि ये जो फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल है, इन्हीं की मदद से हम लोग डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये जो फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल है, एक्चुअली हम इस पूरे के पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल को रिमूव कर रहे हैं विद अ पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल। तो अगर मैं बॉडी ऑफ ओव्यूल बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं किसके लिए, माइक्रोपाइल के लिए। तो एक्चुअली हम पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को रिप्लेस कर दे रहे हैं एक पॉइंट से, और इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, माइक्रोपाइल से। तो मैंने आपसे बताया कि हम डिफरेंट परमिसिबल टाइप ऑफ ओव्यूल को डिफाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, हाइलम एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, और डिटेल से माइक्रोपाइल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है फ्यूनिकल, और ये है हाइलम, और ये है माइक्रोपाइल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक पॉइंट ये मिल गया किसके लिए, माइक्रोपाइल के लिए, एक पॉइंट ये मिल गया किसके लिए, हाइलम के लिए, और एक पॉइंट ये मिल गया किसके लिए, फ्यूनिकल के लिए। तो अगर ये हाइलम, अगर ये फ्यूनिकल और हाइलम के लिए मैं इसको एक लाइन या एक्सिस बता रहा हूं, तो इसी लाइन या इसी एक्सिस पे अगर प्रेजेंट है आपका ये माइक्रोपाइल भी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल, अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको, बस एक अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो बाकी के जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है उनको आपको रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि हम विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, हाइलम एंड माइक्रोपाइल डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल को, और मैंने आपको बताया कि ये हो गया फ्यूनिकल, और ये हो गया हाइलम, और ये पॉइंट हो गया माइक्रोपाइल। तो अगर फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल तीनों एक ही सीध में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल तीनों एक सीध में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, एक ही एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो ऐसे टाइप ऑफ ओव्यूल को मैं बोल रहा हूं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोला हमने इसको, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो इतना सा पार्ट है हाथ का, इसके ऊपर का रीजन, इसके ऊपर का रीजन, इसको मैं बोल रहा हूँ बॉडी ऑफ ओव्यूल, और ये जो है इसको मैं बोल रहा हूँ फ्यूनिकल। तो यहां से लेकर के ये क्या है, फ्यूनिकल, और ये इतना रीजन क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल है। तो ये फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल से इस पर्टिकुलर जंक्शन पे जुड़ा है, तो इस जंक्शन को मैं बोल रहा हूँ हाइलम। तो ये हो गया पूरा फ्यूनिकल, और ये हो गया पूरा बॉडी ऑफ ओव्यूल या मीन ओव्यूल। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल या मीन ओव्यूल फ्यूनिकल से इस जंक्शन पर जुड़ा है, और इस जंक्शन को मैं बोल रहा हूँ हाइलम। तो अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं ये स्ट्रक्चर, तो ये हो गया बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये हो गया फ्यूनिकल, और ये हो गया हाइलम। तो फ्यूनिकल, हाइलम और बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये माइक्रोपाइल, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है, एक सिंगल एक्सिस के लॉन्ग है, और फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल के बीच में कोई एंगल नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे ओव्यूल को मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल बिल्कुल सीधा है। तो ऐसे ओव्यूल को हम बोल रहे हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, या फिर इस ओव्यूल को मैं बोल रहा हूं इरेक्ट ओव्यूल, इसको मैं बोल रहा हूं इरेक्ट ओव्यूल। तो ये बहुत बेसिक बात आपको समझ में आ गई, अगर इतना आप समझ लिए हैं तो बाकी आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मैंने इसको बोला इरेक्ट ओव्यूल या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और ये जो इरेक्ट ओव्यूल या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल है, पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है। दूसरी चीज, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है,
most simple type of ovule is orthotropous ovule and most primitive type of ovule is also orthotropous ovule. और एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, तो ये प्रेजेंट होगा एग्जाम्पल के लिए. अब मैं इसको हटा रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रेजेंट होगा जिम्नोस्पर्म्स में, क्योंकि पहली बार ओव्यूल्स डेवलप हुए थे जिम्नोस्पर्म में. अगले वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ओव्यूल डेवलप हुए थे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में. तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल बना था सबसे पहले किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में, और कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बीटल्स या पान वगैरह में. तो मैंने आपको बताया कि अगर फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन एक सिंगल एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इरेक्ट ओव्यूल, एंड दिस इज द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल एंड दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल. और ये प्रेजेंट होगा किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में सबसे पहली बार क्या बना था ओव्यूल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. और कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पहले इवॉल्व हुए थे, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा. तो जिम्नोस्पर्म्स में और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में एक नाम आप याद रख सकते हैं, पान, बीटल. तो ये तो बात हो गई किसके लिए, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के लिए. अब एनाट्रोपस ओव्यूल को अगर आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से रिलेट करके समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. मैंने आपको बताया था, अभी बताया मैंने आपको, कि हम लोग डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल को किसके किसके बेसिस पे. यहां पे प्रेजेंट है माइक्रोपाइल, ये हो गया आपका फ्यूनिकल, और ये हो गया हाइलम. तो फिर से अगर हम इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट हो गया हाइलम, और ये पॉइंट हो गया फ्यूनिकल, और यहां पे ये पॉइंट प्रेजेंट है इस हाइलम से इधर राइट एंगल पे. इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, माइक्रोपाइल. तो अगर हम ये हाइलम और फ्यूनिकल को एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या एक एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इस ये फ्यूनिकल की जो लाइन है, ये जो फ्यूनिकल की लाइन है, या कह सकते हैं ये जो फ्यूनिकल और हाइलम के बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन या इस एक्सिस से बॉडी ऑफ ओव्यूल 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है. हमने आपको बताया कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये हो गया बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये हो गया फ्यूनिकल, और ये हो गया हाइलम. तो फ्यूनिकल, हाइलम और बॉडी ऑफ ओव्यूल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. अब हम कर क्या रहे हैं, इस फ्यूनिकल की एक्सिस को देखिए, फ्यूनिकल और हाइलम की एक्सिस को देखिए आप, और ये बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है ये 180 डिग्री पे रोटेट कर गया. द मीन इज दैट बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री. आप ऐसे समझिए, ये हो गया फ्यूनिकल और हाइलम वाली एक्सिस, और यहां पे ये प्रेजेंट है बॉडी ऑफ ओव्यूल. तो ये बॉडी ऑफ ओव्यूल इस तरीके से 90 और यानी कि 180 डिग्री पे क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा. तो ये जो माइक्रोपाइल हमने यहां बना रखा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे था बॉडी ऑफ ओव्यूल, 90 डिग्री टर्न किया, फिर 90 और टर्न किया, यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रोपाइल यहां पे कहीं आ जाएगा नियर हाइलम और नियर फ्यूनिकल. नियर हाइलम और नियर फ्यूनिकल प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइल. तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि यहां पे माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल की एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनेगा. एंगल जो है बिटवीन फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल कितना होगा, 180 डिग्री. मैंने आपको बताया बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्रीज. इसको और हम एक तरीके से आपको समझा सकते हैं कि अगर आप ये समझिए इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से इसको समझिए कि ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट मैं यहां पे बना रहा हूं F फॉर फ्यूनिकल, और ये वाला पॉइंट मैं यहां पे बना रहा हूं H फॉर हाइलम. तो यहां पे अगर आप फ्यूनिकल और हाइलम, यानी कि फ्यूनिकल से होते हुए हाइलम की तरफ एक एरो ड्रॉ करें, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया
कि यहाँ पे ये था बॉडी ऑफ ओर्बिट, ये 90 और 90 और यानी 180 डिग्री पे रोटेट कर गया, यानी पहले ये ऐसे रहा होगा लेकिन ये रोटेट कर जाएगा तो ये एरो जो है वो इस तरीके से हो जाएगी, यानी एक एरो इधर है फ्यूनिकुलर और हाइलोमोलिक और बॉडी ऑफ ओविल भी ऐसे रहा होगा लेकिन ये 90 और 90 और 180 डिग्री पे रोटेट कर गया, तो यानी कि एरो की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। एंड इफ यू विल फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू एरोस इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो इस और इस एक्सिस के बीच में अगर या इस और इस एरो के बीच में अगर आप एंगल फाइंड आउट करेंगे देन इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। तो हमने आपको बोला कि अगर बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाए अबाउट दिस एक्सिस तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ ओव्यूल एंड विच इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज। मैंने आपको बताया कि एनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। सबसे पहली बात तो हमको याद रखना है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। और हमने आपको बताया कि ये मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में देखने को मिलेगा अबाउट इन 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज और प्लांट्स। एंड दिस इज द काइंड ऑफ ओव्यूल which is also given in your NCERT and it is only kind of ovule which is given in your NCERT. हमने आपको बताया भी था जब टाइप ऑफ ओव्यूल आपको जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ाया था कि जो हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग जो ओव्यूल पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है जो मोस्ट कॉमन है जो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट स्पीसीज में देखने को मिलता है तो वो कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था इसका और हमने एनाट्रोपस ओव्यूल को बोला था कि ये इनवर्टेड ओव्यूल है, उल्टा घूम जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इरेक्ट या सीधा ओव्यूल, इरेक्ट या सीधा ओव्यूल जब बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट हो अलोंग द एक्सिस ऑफ फ्यूनिकल। अगर हम इसको घुमा देंगे 180 डिग्री पे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहले इस तरीके से एरो थी अब इस तरीके से एरो हो गई है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है ये इनवर्टेड ओव्यूल है। ये कैसा ओव्यूल है, इनवर्टेड ओव्यूल है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं कह रहा था कि जो एनसीईआरटी में गिवन है स्ट्रक्चर ओव्यूल का वो इनवर्टेड ओव्यूल है या जिसके लिए एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में वो इनवर्टेड ओव्यूल के लिए है जो उल्टा है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्योंकि फ्यूनिकल और हाइलम के एक्सिस और बॉडी ऑफ ओव्यूल के एक्सिस के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो 180 डिग्री का एंगल होगा। द मीन इज दैट द बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया कि एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा, 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में पाया जाएगा, ये NCERT में भी यही गिवन है, हमारे सिलेबस में भी यही है। इज इट क्लियर? अब फिर दूसरे यानी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल को डिस्कस कर लिए हैं अगर हम लोग तो हम लोग एनाट्रोपस के बाद अगर आ रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल्स पे तो थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल में अगर आप एक टर्म यहां पे नोटिस करें दैट इज हेमी। तो हेमी का मतलब आप लोग जानते होंगे हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ। तो अभी हमने आपको बताया कि या तो ये इरेक्ट होगा तो इसको हम ऑर्थोट्रोपस बोलेंगे या फिर ये 180 डिग्री पे घूम जाएगा, पूरा इस तरीके से था इस तरीके से हो गया यानी कि इनवर्टेड हो गया यानी कंप्लीट रोटेशन हुआ इधर से इधर। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रेट ना होकर के और कंप्लीटली 180 डिग्री पे ना रोटेट करके ये सिर्फ रोटेट करे आधा ही यानी कि 90 डिग्री पे तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये हो गया हाइलम और यहां पे प्रेजेंट होगा ये फ्यूनिकल और ये हो गया बॉडी ऑफ ओव्यूल और ये है माइक्रोपाइल। तो इसको हम यहां पे ड्रॉ करें अगर तो ये पॉइंट हो गया किसका, एफ और फ्यूनिकल और ये हो गया हाइलम और हाइलम से इधर यानी कि अगर हम एक लाइन ये वाली ड्रॉ करें यानी कि फ्यूनिकल से हाइलम की तरफ एक एक्सिस ये ड्रॉ करें और एक एक्सिस बॉडी ऑफ ओव्यूल की ड्रॉ करें तो इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में यहां पे एंगल प्रेजेंट होगा कितना
90 डिग्री का। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइल और ये एक्सिस हो गई फ्यूनिकल की एक्सिस और ये हो गई बॉडी ऑफ फ्यूनिकल की एक्सिस और यहाँ पे इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। द मीन इज दैट बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली एट राइट एंगल ट्रायंगल टू द फ्यूनिकल एक्सिस। फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है इट इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। तो अगर फ्यूनिकल और हाइलम की एक्सिस से माइक्रोपाइल या बॉडी ऑफ ओव्यूल की एक्सिस के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो, कंप्लीट ना रोटेशन होकर के हाफ रोटेशन हो, तो हम इसको हाफ के लिए क्या बोलेंगे, हेमीट्रोपस ओव्यूल। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, हेमीट्रोपस ओव्यूल। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल। सिर्फ हमको टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए और इसका एग्जाम्पल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको टाइप्स और एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो ये देखने को मिलेगा आपको रैननकुलस में और एक और प्लांट का नाम आप याद रख सकते हैं, दैट इज प्राइमुला में। तो रैननकुलस और प्राइमुला दो प्लांट्स हैं, रैननकुलस और प्राइमुला दो प्लांट्स हैं जिसमें हेमीट्रोपस ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। बॉडी ऑफ ओव्यूल ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होगा एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे टू द एक्सिस ऑफ फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल के एक्सिस से राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे होगा बॉडी ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हो गया फ्यूनिकल की एक्सिस और ये हो गई बॉडी ऑफ ओव्यूल की एक्सिस और इन दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। तो हम इसको बोलेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल। प्रेजेंट होगा रैननकुलस और प्राइमुला प्लांट में। नाउ कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल, दैट इज कैंपाइलोट्रोपस। तो आपको मैं यहाँ पे एक टर्म बता रहा हूं, कैंपाइलो। यहाँ पे मैंने के वर्ड यूज किया, के लेटर यूज किया है और यहाँ पे सी है। इस कैंपाइलो का मतलब आप समझिए, इस कैंपाइलो का मतलब होता है कर्व्ड। इस कैंपाइलो का मतलब होता है कर्व्ड। तो कर्व्ड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैंपाइलो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंपाइलो का मतलब क्या है, कर्व। तो ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, जो हम इस तरीके से बॉडी ऑफ ओव्यूल देख रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हो गया बॉडी ऑफ ओव्यूल। इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसा होगा ये बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये हो गया फ्यूनिकल और ये हो गया हाइलम और इसके 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगा बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो ये स्ट्रेट बॉडी ऑफ ओव्यूल है। तो सिर्फ हो क्या जा रहा है यहाँ पे, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल थोड़ा सा इस तरीके से कर्व हो जा रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बन जाएगा। और इस कर्व्ड स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है टर्म कैंपाइलो। तो कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल में अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने वापस से बेसिक क्राइटेरिया पे आए, तो ये हो गया फ्यूनिकल और ये जो जंक्शन है ये हो गया हाइलम और यहाँ पे प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइल। तो ये हाइलम और फ्यूनिकल वाली एक्सिस है और थोड़ा सा अगर ये सीधा होता तो ये एक्सिस बनती बॉडी ऑफ ओव्यूल की, ये एक्सिस बनती बॉडी ऑफ ओव्यूल की। हमने आपको बताया कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा कर्व्ड है। तो ये स्ट्रेट एक्सिस ना बन करके यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व्ड एक्सिस बनेगी, यानी कि यहाँ पे इस फ्यूनिकल की एक्सिस और बॉडी ऑफ ओव्यूल के एक्सिस के बीच में भी यहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा और बॉडी ऑफ ओव्यूल यहाँ पे भी प्लेस्ड होगा एट राइट एंगल, ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली जो एंगल है बिटवीन फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ और एंगल होगा। जहाँ जैसे कि आप हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया फ्यूनिकल की एक्सिस और ये हो गया बॉडी ऑफ ओव्यूल और यहाँ पे एंगल है कुछ ना कुछ थीटा, लेकिन ये क्या नहीं है, 90 नहीं है। तो यानी कि थोड़ा सा कर्व होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। और ये जो कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल है ये आपको देखने को मिलेगा पल्स फैमिली में। ये आपको देखने को मिलेगा पल्स मतलब दाल वाली फैमिली में, जितने दालें आती हैं, यानी कि अगर आपको याद हो तो लेग्यूमिनेसी फैमिली बोलते हैं जिसमें पल्सेस आती हैं। और ये प्रेजेंट होगा मस्टर्ड में, सरसों में, यानी कि प्रेजेंट होगा ये रूसी फेरी फैमिली में। तो कैंपाइलोट्रोपस का मतलब क्या है, कैंपाइलोट्रोपस में भी हेमीट्रोपस ओव्यूल की तरह जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो
ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होगा एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल एक्सिस, लेकिन एंगल बिटवीन फ्यूनिकल एक्सिस एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री। यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल नहीं है, थोड़ा सा कर्व हो गया है इसलिए। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैंपाइलोट्रोपस। और कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है किसमें, पल्स फैमिली में, जितनी दालें होती हैं, दैट इज लेग्यूमिनेसी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी फैमिली, पल्स फैमिली, और ये मस्टर्ड में यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली में प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ ओव्यूल की। तो फिफ्थ टाइप ऑफ ओव्यूल जो है इसको मैं बोल रहा हूं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल, यहां पे थोड़ा मैं अपने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एंगल मेजर कर रहे थे या एंगल के बेसिस पे डिफाइन कर रहे थे कि क्या क्या परमिसिबल टाइप्स हो सकते हैं ओव्यूल्स के। तो अगर कोई एंगल नहीं होता था, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता था, फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल के बीच में कोई एंगल नहीं है तो ऑर्थोट्रोपस है इरेक्ट। और अगर ये कंप्लीट रोटेट कर जा रहा है यानी कि फ्यूनिकल और हाइलम वाली एक्सिस और बॉडी ऑफ ओव्यूल या माइक्रोपाइल एक्सिस के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल है तो ये घूम जा रहा है उल्टा, इन्वर्टेड, और इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोल रहे हैं। और अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है तो इसको हम हेमीट्रोपस बोल रहे हैं। और 90 डिग्री ना होकर के किसी और एंगल पे, राइट एंगल पे प्रेजेंट है तो इसको हम कैंपाइलोट्रोपस बोल रहे हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का बेसिस लिया था एंगल, फ्यूनिकल एक्सिस और बॉडी ऑफ ओव्यूल की एक्सिस के बीच में, लेकिन अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, दैट इज एम्फीट्रोपस के लिए। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है ये ऑर्थोट्रोपस भी हो सकता है, ये हेमीट्रोपस भी हो सकता है। मैंने तो सिर्फ आपके सामने हेमीट्रोपस बनाया है, यानी कि अगर हम यहां पे देखें तो ये हो गया फ्यूनिकल और ये जंक्शन हो गया हाइलम और यहां पे प्रेजेंट है ये माइक्रोपाइल। तो हाइलम, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में यहां पे 90 डिग्री। हमने आपको बताया कि ये तब ये क्या होगा, हेमीट्रोपस होगा, लेकिन ये स्ट्रेट भी हो सकता है इस तरीके से जहां पे कोई एंगल नहीं प्रेजेंट है, यानी कि ये ऑर्थोट्रोपस भी हो सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां पे हम इस क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, यानी कि हम एंगल मेजर करके इसको नहीं बता सकते या नहीं डिफाइन कर सकते हैं एम्फीट्रोपस ऑफ ओव्यूल को। यानी कि ये इस तरीके से भी हो सकता है जहां पे कोई एंगल नहीं प्रेजेंट होगा बिटवीन द एक्सिस, और यहाँ पे ये भी हो सकता है जहां पे बॉडी ऑफ ओव्यूल विल बी प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ फ्यूनिकल। तो ये हेमीट्रोपस भी हो सकता है और ये एनाट्रोपस भी, ऑर्थोट्रोपस भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एंगल के बेसिस पे हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया क्या मैं ले रहा हूँ डिफाइन करने के लिए, कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्ब्रायो सैक, या फिर इसको मैं क्या बोलता हूं, फीमेल गैमेटोफाइट, नॉट गैमेट। तो अभी तक आपने देखा होगा ये एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट ओवल शेप, लेकिन यहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट इज एम्ब्रायो सैक है, ये जो है ये होगा हॉर्स शू शेप। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमको याद रखना है किसके लिए, एम्फीट्रोपस ओव्यूल के लिए, कि एम्फीट्रोपस ओव्यूल में जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रायोसाइक होगा, इसका शेप कैसा होगा, हॉर्स शू शेप्ड, कैसा होगा ये, हॉर्स शू शेप्ड होगा। तो बस यही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में जो एम्ब्रायोसाइक है ये हॉर्स शू शेप्ड होता है, ये ऑर्थोट्रोपस भी हो सकता है और ये हेमीट्रोपस भी हो सकता है। और ये चूंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात हमने याद की, थोड़ा सा यूनिक कंडीशन हमने याद की कि ये एम्ब्रायोस है, इन केस ऑफ एम्फीट्रोपस ओव्यूल विल बी हॉर्स शू शेप्ड, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से हमको लर्न करने हैं, जैसे कि ये प्रेजेंट होगा मीराबिलिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, मीराबिलिस ज़िलाफा, 4 o'clock प्लांट, स्नैपड्रैगन इसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, इसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये प्रेजेंट होगा किसमें, मीराबिलिस ज़िलाफा में, या 4 o'clock प्लांट इसको बोलेंगे, 4 o'clock प्लांट बोलेंगे। और ये एक और इंपॉर्टेंट प्लांट का नाम हमको याद रखना है, दैट इज लेमना, इसको हम लोग बोलते हैं डक वीड। और ये प्रेजेंट होगा पैपावर में भी, दैट इज पैपावर सेमनीफेरम, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपी प्लांट।
इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो ये मीरा विलिस में प्रेजेंट होगा 4 o'clock पार्ट में, लेमना में प्रेजेंट होगा डकवीट में, पेपेवर या पेपेवर सोमनीफेरम या पॉपी प्लांट में प्रेजेंट होगा। इन सारे प्लांट्स को हम कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़ेंगे। या फिर ये ब्यूटामेसी एलिस्पेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है, उतना डिटेल हमको नहीं याद रखना है। एटलीस्ट ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कम से कम हमको याद रखने हैं, जो कि मीराबलिस, लेमना और पेपेवर है या पॉपी प्लांट है। इनमें एम्फीट्रॉपस ओवूल प्रेजेंट होगा, जो ओव्यूल का ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट का शेप है वो हॉर्स शू शेप्ड होगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज सर्शिनोट्रॉपस ओव्यूल। यहां पे भी एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज सर्शिनो। सर्शिनो टर्म डिराइव्ड है सर्कल से। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सर्कल बन रहा है किसका, फ्यूनिकल का। सर्कल बन रहा है किसका, फ्यूनिकल का। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ये 180 डिग्री पे घूमा, ये 90 पे घूमा। तो या तो स्ट्रेट हो सकता है, या तो ये 90 डिग्री पे घूम सकता है, या फिर 90 और यानी कि 180 पे घूम सकता है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये और 180 रोटेट कर जाए, यानी कि स्ट्रेट है या 90 पे रोटेट करेगा या 180 पे रोटेट करेगा, या फिर ये कंप्लीटली 360 पे रोटेट कर जाए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फ्यूनिकल, और ये जंक्शन जो है ये क्या है, हाइलम, और ये क्या है, माइक्रोपाइल। तो यहां पे फ्यूनिकल, हाइलम और ये है माइक्रोपाइल। तो ये एक्सिस हो गई फ्यूनिकल और हाइलम की, और ये एक्सिस हो गई माइक्रोपाइल की। तो ये अभी तो लग रहा है कि स्ट्रेट है जैसा कि ये, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक अपना कंप्लीट रोटेशन पूरा कर चुका है, यानी कि ये पूरा का पूरा अपना रोटेशन क्या कर चुका है, कंप्लीट, यानी कि एक सर्कल बना चुका है। पहले ये सीधा था, फिर इसने क्या किया, इस तरीके से पूरा रोटेट कर गया। आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसके ऊपर ये रैप कर गई है पूरी की पूरी फ्यूनिकल, जो कि यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि ये पहले घूमा होगा 90 डिग्री, यहां पे आया होगा माइक्रोपाइल 90 डिग्री, कुछ ऐसी कंडीशन आई होगी, फिर ये 90 और रोटेट किया होगा, ये 90 और रोटेट किया होगा, यानी कि ये आया होगा यहाँ पे 180 डिग्री हो गई होगी, यानी कि ये इस तरह का कंडीशन आया होगा, फिर ये 180 डिग्री और रोटेट कर गया होगा, यानी कह सकते हैं कि 360 डिग्री का एंगल ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। 360 डिग्री का एंगल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं द बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न्स एट 360 डिग्रीज, ये पूरा 360 डिग्री पे क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्यूनिकल इसके चारों तरफ रैप कर लेगा। एंड सच टाइप ऑफ ओव्यूल विल बी सर्सिनोट्रॉपस, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। और एग्जांपल हमको याद रखना है कि सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल जो है ये प्रेजेंट होगा किसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज कैक्टेसी फैमिली। और कैक्टेसी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमको याद रखना है, दैट इज अपुंशिया। अपुंशिया तो ये 6 डिफरेंट परमिशबल टाइप ऑफ ओव्यूल्स हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा किसको, ऑर्थोट्रोपस को। एक फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बेसिस ले रहा हूं क्लासिफिकेशन का, एंगल फ्यूनिकल एक्सिस और बॉडी ऑफ ओव्यूल या माइक्रोपाइल के बीच में। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में है, कोई एंगल नहीं प्रेजेंट है, सीधा है, इरेक्ट ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस, सिंपल टाइप ऑफ, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल होगा, जिम्नोस्पर्म में और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म लाइक बीटल में प्रेजेंट होगा। और अगर 180 डिग्री पे रोटेट कर जा रहा है बॉडी ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल, तो इसको हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, और ये इनवर्टेड होगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होगा, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में प्रेजेंट होगा। और एनसीईआरटी में जो गिवन है वो भी क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। और ये एमीट्रोपस ओव्यूल 90 डिग्री पे क्या करेगा, रोटेट करेगा बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेमीट्रोपस ओव्यूल, रैननकुलस और प्राइमुला में प्रेजेंट होगा। ये राइट एंगल पे ही प्रेजेंट हो लेकिन कर्व्ड हो बॉडी ऑफ ओव्यूल, यानी इसके बीच में 90 के अलावा कोई एंगल हो तो कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। पल्स फैमिली लेगुमिनेशियस और क्रूसीफेरी मैस्फेट में प्रेजेंट होगा। और या तो ये ऑर्थोट्रोपस होगा या हेमीट्रोपस होगा, लेकिन इसमें स्पेसिफिसिटी क्या है कि एम्ब्रायोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट हॉर्सशू शेप्ड होगा। और ऐसे एम्ब्रायो
सैक हार्सू सेव देब्रा सैक जिस ओव्यूल में प्रेजेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल, मिराबिलिस लेमना और पैपी प्लांट में प्रेजेंट होगा या फिर पैपीवर में, और अगर कंप्लीटली रोटेट कर जा रहा है एट 360 डिग्री तो हम लोग बोलेंगे इसको सर्सिनोट्रोपस अपुंसिया या कैक्टेशी फैमिली में प्रेजेंट होगा। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने सिर्फ आपको टाइल्स और इसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन का बेसिस समझाया और बहुत इंपॉर्टेंट क्या हमको याद रखना है एग्जांपल्स। तो हमने आपको बताया कि डायरेक्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आ जाए पूछ ले, लेकिन कम से कम आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ये याद रखेंगे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो पहली बार डेवलप हुआ है जिम्नोस्पर्म में, एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल विच इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ द प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और एनसीईआरटी में भी है, तो इसको हमको याद ही रखना है दैट इज एनोट्रोपस और इन्वर्टेड ओव्यूल। और एक हमने आपको और बताया कि ये याद आप रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक हॉर्सू शेप्ड है जैसा कि जो कि क्या है एम्फीट्रोपस, तो कम से कम आप इसको तीन को तो याद ही रख सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कोई छोटी सी बात है, आप पूरा कंप्लीट याद रखें कि सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स होंगे ऑर्थोट्रोपस एनोट्रोपस हेमीट्रोपस कैम्पाइलोट्रोपस एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस विथ एग्जाम्पल।